तो ये साल जरूर 2022 है, लेकिन विंस मैकमैन की हरकतें एकदम वही सेम है, क्योंकि एक बार फिर से WWE ने मैसिव रिलीज कर डाले। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक बार फिर से वही दिन आ चुका है जब WWE अपने रिलीज वाले सिलसिले पे उतर आई है, और आज 10 से ज्यादा WWE टैलेंट्स को, WWE के सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया गया कंपनी से, जिसमें सबसे बड़ा जो सरप्राइज नाम है वो NXT के जनरल मैनेजर विलियम रीगल का है। साथ ही में और भी काफी सारे हॉल ऑफ फेमर, बैक स्टेज प्रोड्यूसर और इन रिंग टैलेंट्स को WWE ने रिलीज किया है, उसके बारे में एकदम डिटेल के अंदर बात होगी। साथ ही हम बात करेंगे इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में, जब शो पर आते हैं हमारे WWE चैंपियन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, और रिसेंटली केविन ओवंस भी हो सकते हैं WWE से बाहर, क्योंकि उन्हें हो सकता है कोविड पॉजिटिव। रिसेंटली उनकी वाइफ ने काफी सारी चीजें रिवील की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले हम लोग शुरू करते हैं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के साथ में या फिर रेटिंग के साथ में। इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था वो डे वन 2022 के बाद WWE का पहला शो था, ऊपर से साल 2022 का ये पहला मंडे नाइट रॉ था। अब शो पर आते हैं हमारे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर, डेफिनेटली जो रेटिंग्स है वो तो ऊपर जानी थी, और इस हफ्ते जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स आई है वो आई है 1.716 मिलियन व्यूअर, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, और पिछले हफ्ते रेटिंग्स आई थी 1.593 मिलियन व्यूअर्स। इवन डेमोग्राफिक जो रेटिंग्स है उनके अंदर भी काफी अच्छा खासा उछाला है। इस हफ्ते जो डेमोग्राफिक रेटिंग है 0.45 की आई है, और पिछले हफ्ते जो डेमोग्राफिक रेटिंग है 0.41 की आई थी। और अक्टूबर के बाद ऐसा ये पहला मंडे नाइट रॉ है जिसकी रेटिंग 1.7 के आसपास पहुंची। आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के बाद से इस मंडे नाइट रॉ की सबसे ज्यादा बेहतरीन रेटिंग्स आई है। तो भाई ये असर है हमारे लेसनर का, ये असर है जब आप लेसनर को WWE चैंपियन बना दे। तो बात करते घंटों के बारे में, तो जो पहले घंटे के अंदर रेटिंग्स आई थी वो आई थी 1.807 मिलियन व्यूवर्स, दूसरे घंटे के अंदर थोड़ा डाउन आता है 1.716 मिलियन व्यूवर्स, और तीसरे घंटे के अंदर रेटिंग्स और भी थोड़ी डाउन चली जाती है, वहां पहुंच जाती है 1.627 मिलियन व्यूवर्स तक। लेकिन अच्छी बात ये कि भैया WWE को अब रेटिंग्स के अंदर फाइनली थोड़ा उछाल मिला है, और WWE को भी लगा होगा चलो फाइनली लेसनर को WWE चैंपियन बनाने का कोई ना कोई फायदा जरूर हुआ है, और रेटिंग्स बढ़ने से WWE मेरे हिसाब से काफी ज्यादा खुश होगी। जो नेक्स्ट अपडेट है इस बार हमारे प्राइस फाइटर केविन ओवंस के बारे में जुड़ी, और केविन ओवंस भी WWE से हो सकते हैं बाहर, और रीजन वही अपना मनहूस कोविड है। होता कि रिसेंटली जो केविन ओवंस की वाइफ है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक ऐसी बड़ी न्यूज रिवील करती हुई नजर आती जो कि काफी सरप्राइज वाली थी। केविन ओवंस को लेकर अपडेट और उनकी पूरी फैमिली को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी यहां पर अपडेट आती है। अब देखो केविन ओवंस ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में तो फेटल फोर मैच में कम्पीट किया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें भी सिम्टम्स आ चुके हैं कोविड के, जो कि बहुत ही बेकार न्यूज है। उनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट का पूरा स्क्रीनशॉट है वो आप लोग देख पा रहे, जहां पर लिखते हैं कोविड ने अचानक से आके उनके हाउस होल्ड के ऊपर पूरे तरीके से या फिर बैडली वे में इंपैक्ट किया है, और अभी फिलहाल सिर्फ वही टेस्टेड है पॉजिटिव में। लेकिन जो ओवंस है, जो केविन ओवंस उनके हस्बैंड है, उन्हें भी धीरे धीरे करके सिम्टम्स आने लग गए और उन्हें भी बिल्कुल भी सही महसूस नहीं हो रहा। फिर वो बताते हैं उन्हें किस तरीके जो सिम्टम है वो बिल्कुल भी मजाकिया वाले नहीं, उन्हें फीवर है, काफी तगड़ा बॉडी वगैरह दर्द हो रहा है, इसलिए वो कह सकते हो एक तरह का रिक्वेस्ट करना चाहती है लोगों से कि भैया बूस्टर वगैरह जो इंजेक्शन होते हैं, कोविड वैक्सीनेशन होती है, वो वगैरह लगवा लो, क्योंकि ये जो चीज है बिल्कुल भी मजाक में तो लेनी नहीं चाहिए। और कुछ इस वे में अभी अचानक से उनकी फैमिली को आके कोविड ने हिट किया है, जो कि बहुत ही बड़ी मेरे हिसाब से न्यूज है। इसका मतलब ये भी हो सकता है अब केविन ओवंस को अगर सिम्टम्स आए तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो भी पॉजिटिव पाए जाए और WWE से वो हमें एक दो हफ्ते के लिए गायब होते हुए नजर आए, क्योंकि हमने देखा रिसेंट टाइम में अचानक से यानी WWE के अंदर आप कह सकते हो भूकंप टाइम मच गए, सेथ रॉलिंस, फिर रोमन रेंस और अब केविन ओवंस। अब WWE को भाई किसी तरीके से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिसेंट मंडे नाइट रॉ में केविन ओवंस ने कंपीट किया था, वहां पर तो वो पूरी तरीके से 100% लग रहे थे, लेकिन अब देखते हैं केविन ओवंस WWE से अगर बाहर रहते हो कितने टाइम के लिए रहते हैं। अभी जस्ट सिर्फ सिम्टम्स है, कोई बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ केविन ओवंस की वाइफ को पूरे तरीके से कोविड हो चुका है। मेरी बेस्ट विशेस केविन ओवंस की पूरी फैमिली के लिए, उनकी वाइफ के लिए, होप करता हूँ पूरी फैमिली जल्दी से जल्दी हमें रिकवर होती हुई नजर आए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के रिसेंटली या फिर आज हुए एक बार फिर से रिलीज के बारे में जुड़ी है, और रिलीज का सिलसिला साल 2022 में भी रुका नहीं है, क्योंकि साल 2022 में भी 10 से ज्यादा जो WWE के सुपर स्टार्स कह लो, टैलेंट्स कह लो, उनको WWE ने रिलीज कर दिया अपनी कंपनी से। होता क्या सुबह सुबह ये वाली न्यूज आती है सामने, और भाई चौंका देने वाली न्यूज तब थी जब विलियम रीगल को भी WWE रिलीज कर देती है। एकदम सही सुन रहे हो, वो इंसान जिसने NXT के अंदर इतने लंबे टाइम तक काम किया, NXT को एक अच्छी खासी ब्रांड बनाए, अपने आप को मैनेजर के तौर पे एक ऐसा रोल एस्टैब्लिश किया कि भैया हाँ मजा आता था कि विलियम रीगल NXT के मैनेजर है। ऊपर से वॉर गेम्स वाला सीन तो अलग ही रहता था WWE के अंदर, विलियम रीगल NXT के आप सोल और हार्ट कह सकते हो मेरे हिसाब से। अगर वो ना होते जो ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड है वो इतनी ज्यादा आगे कभी जा भी नहीं पाती। ऊपर से जिन लोगों को नहीं पता, बैक स्टेज के ऊपर टैलेंट स्काउट का काम भी करते थे, यानी कि वो अलग अलग जगह जाके वो टैलेंट्स को देखा करते थे किन्हें रिक्रूट करना है WWE के अंदर, लेकिन WWE ने उन्हें रिलीज
कर दिया। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा ट्रिपल एच का ज्यादा बड़ा यार दोस्त है ना, जैसे ट्रिपल एच और विलियम रीगल की काफी बनती थी बैक स्टेज के ऊपर, और इवन जो दोनों एक साथ हमेशा ज्यादातर घूमा भी करते थे, तो यहाँ पर लग ऐसा रहा भैया जो बंदा ट्रिपल एच के साथ में होगा, जो बंदा ट्रिपल एच के ज्यादा क्लोज होगा डब्ल्यू डब्ल्यू उसे डेफिनेटली रिलीज कर देगी। और रिसेंट टाइम में उनके फेवरेट रेसलर जिनको ट्रिपल एच बिल्ड कर रहे थे एज फ्यूचर स्टार, उनको तो डब्ल्यू डब्ल्यू ने रिलीज कर ही दी है। बाय द वे जो पूरी लिस्ट आई है हमने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। नंबर वन के ऊपर रॉड डॉग है जो कि बैक स्टेज के ऊपर काम किया करते थे, लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू ने आज उन्हें भी रिलीज कर दिया। डब्ल्यू डब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर भी रह चुके हैं। एनएक्सटी के हमारे जनरल मैनेजर यानी कि विलियम रीगल को भी रिलीज कर दिया गया बैक स्टेज के ऊपर। एक और डब्ल्यू डब्ल्यू के ऑफिशियल जिनका नाम ए स्टील है क्रिस गाय, उनको भी रिलीज कर दिया गया, जो पहले ग्रेट खली के मैनेजर हुआ करते थे डेव कपूर, जो कि एनएक्सटी के एक्चुअल में क्रिएटिव राइटर है, उन्हें भी डब्ल्यू डब्ल्यू ने आज रिलीज कर दिया। एक और क्रिएटिव प्रोड्यूसर जिनका नाम रायन है उन्हें भी रिलीज कर दिया गया। स्कॉट को भी रिलीज किया गया। साथ ही में जॉर्ज हमारे फॉर्मर एनएक्सटी के टैग टीम चैंपियन टिमोथी थैचर को भी डब्ल्यू डब्ल्यू ने रिलीज कर दिया। फॉर्मर एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन डैनी ब्रूज, ओनी लॉरेंस को पहले रिलीज कर दिया, अब डैनी ब्रूज को भी कर दिया गया। साथ ही में एलिसन डेंजर जो कि बैक स्टेज के ऊपर ही काम करती थी उन्हें भी रिलीज किया गया। और डायमंड बाइन के एक मेंबर जिनका नाम हिडेकी सुजुकी था उन्हें भी डब्ल्यू डब्ल्यू ने आज कर डाला है रिलीज। और इस पूरी लिस्ट के अंदर मेरे लिए सबसे बड़ा जो पर्सनल नाम है वो विलियम रीगल का ही है। डब्ल्यू डब्ल्यू ने क्या सोचा जो विलियम रीगल को रिलीज कर दिया, अभी तक मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन लग ऐसा रहा कि विलियम रीगल के रिलीज के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ ये फाइनल नेल इन द कॉफिन है। डब्ल्यू डब्ल्यू ये बताना चाहती है पूरे तरीके से जो ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड है वो खत्म हो चुकी है डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर। एनएक्सटी का न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास न्यू चैंपियंस है, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपनी चैंपियनशिप हार चुके हैं, टोमासो सैंपा अपनी टाइटल हार चुके हैं, अब विलियम रीगल जो कि ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड के हार्ट और सोल कहे जाते थे उन्हें रिलीज कर दिया गया। तो शायद इस रिलीज से डब्ल्यू डब्ल्यू बताना चाहती है काम खत्म, टाटा गुड बाय, अब आज से नहीं है एनएक्सटी ट्रिपल एच वाली जो एनएक्सटी है वो पूरे तरीके से डब्ल्यू डब्ल्यू से गायब हो चुकी है। तो भाई इन सभी रिलीज को लेकर आपका क्या सोचना है जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। आपके लिए पर्सनली कौन सा सबसे ज्यादा सरप्राइज वाला नेम था। और बस आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अब वीडियो पसंद का मैं क्या ही कहूँ, लेकिन अगर फिर भी लाइक करना चाहो तो वीडियो को नीचे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूँ आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।